दोस्तों अभी हम रेलवे स्टेशन जंक्शन की तरफ जा रहे हैं जो कि लखनऊ को काफ़ी आप लोगों को दिखाते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन चार भाग में इस समय है, आप देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं। यह है लखनऊ का चार भाग रेलवे स्टेशन। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे, आपको कुछ जानकारी और इसमें देते हैं। यहाँ पे लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं और ट्रेनों का वेट कर रहे हैं। जो कि आगे हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जो आगे वाली बिल्डिंग है उसमें हम आपको दिखाते हैं। कचरा डब्बा है, डस्टबिन जिसे बोलते हैं। कुछ लोग जा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम आगे थोड़ा और चलेंगे जी। यहाँ पे रिक्शा वाले हैं, रिक्शे जो आदमी रिक्शा बैठाते हैं। रिक्शे से चलकर मैं बाप आपको आगे चलते हैं। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अभी नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे। ये है, देख सकते कितना खूबसूरत बना हुआ है। जबकि लखनऊ का रेलवे स्टेशन, ये पार्किंग, यहाँ से साइड पार्किंग होती है। ये पीछे का नज़ारा है, आप इस पीछे से घुमा कर दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते पूरा सीन एकदम बाकायदा A to Z बनाया हमने। अभी आगे जो हम चरपैया है इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहिए। आप देख सकते हैं जी कार खड़ी है, ऑटो भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। कुछ सवारियाँ ले जाने के काम आते हैं ये ऑटो। आपकी भी लखनऊ ज़रूर आएँ घूमने की, बहुत अच्छी। अब मेट्रो देख सकते हैं, मेट्रो जो कि ये मेट्रो यहाँ पर है, मेट्रो जा रही है। हम आपको कैमरे में कैद करके दिखा रहे हैं, जो कि ये बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। हम अगले कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये लोग कुछ यात्रीगण बैठे हैं, गर्मी का थोड़ा सीजन है। लोग अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। अब अंदर का ग्राउंड है, यहाँ पर टिकट विकट कटते हैं अंदर। अभी हम आपको दिखाएंगे, टिकट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। पंखे देख सकते हैं आप लगे हैं। हमको भी आज रेलवे स्टेशन घूमने का मौका मिला, अपने भी रेलवे स्टेशन घूमने आए थे। ये सूचना केंद्र भी है यहाँ पर बना हुआ साइड में, आप देख सकते हैं। ये अब हम आगे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा टिकट कुछ साइड स्लाइड दिखती है अगर चलकर। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सेकंड गेट है। इस सेकंड गेट से लोग वापस आते हैं वहाँ से उतर कर। अभी हम आपको समय सारणी देकर दिखाएंगे किस टाइम टेबल पे कौन सी ट्रेन जाएगी। ये इसका यहाँ पर डिटेल दिखाई जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ से BBSपुर जा रही है सुपर, लखनऊ से पंजाब जा रही है पंजाब एक्सप्रेस, जो की जाती है पंजाब के लिए। देख सकते हैं 6:16 पे D2 6-8 प्लेटफॉर्म पे जाएगी ये ट्रेन। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों भी सूचना दी जाती है। आपको इंग्लिश में आती है, इंग्लिश में समझ सकते हैं। हिंदी आती है, जो हिंदी में समझ सकता है। दोनों लैंग्वेज यूज की जाती हैं। लखनऊ से लोकमान्य तिलक देख सकते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ ट्रेन की पटरियाँ लगती हैं वहाँ पे, उस साइड में हैं। अब देख सकते हैं कितना बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा है, क्योंकि साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, कोई भी कुछ नहीं, कोई डस्टबिन के डब्बे भी नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं, हम आपको अब चल रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा की ओर। कान चार बार रेलवे स्टेशन है, हम जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा। काफी प्रसिद्ध है,
घूमेंगे जरूर। अब हम पहुंच गए हैं, मैं अपना दो दो सौ चार सौ बजेगा अपना तो है, बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं आपको, क्योंकि मैं गया नहीं पहले से आज तक लखनऊ तो कई बार आना हुआ, मगर मैंने अभी तक बड़ा इमामबाड़ा गया नहीं। हम आज आपको बड़ा इमामबाड़ा की कुछ वीडियोज और दिखाएंगे आपको, देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कितने दिन चला रहे हैं नए तो सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो अच्छा लगे आपको हम थोड़ा फास्ट में दिखाते हैं, थोड़ा मजूम करके बस कुछ थोड़ी दूर और बचा है, 500 मीटर की दूरी पे बचे हैं हम, जबकि भीड़ का इलाका है ये, इधर से नक्खास होते हुए निकल रहे हैं, नक्खास मार्केट इसी के जस्ट पीछे लगती है नक्खास, नक्खास मार्केट क्योंकि बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका है नक्खास, लखनऊ का जाना नक्खास जाना जाता है। संडे का दिन है इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि संडे छुट्टी रहती है बच्चों की। कितने किलोमीटर है थोड़ी भीड़ का प्रॉब्लम जाम जा रहे हैं नक्खास में, 5 किलोमीटर इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैंने ऑटो लिया है ऑटो से जा रहे हैं, अभी हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं, बाकी अब हम अगला स्टेप हूँ। हम आगे दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये बड़ा इमामबाड़ा का जो मेन गेट है इसमें भी कुछ बनावट का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बनावट का काम चल रहा है, अभी ये मरम्मत चल रही है इसमें, अभी थोड़ा हम साइड से ऑटो घुमाकर चलेंगे जहाँ से अब कि हम आपको आगे बड़ा इमामबाड़ा दिखा सकें। अब हम साइड से निकलते हैं, आप ये बड़ा इमामबाड़ा का फोटो देख सकते हैं जो हमने ऐड की है, बड़ा इमामबाड़ा आप बड़ा इमामबाड़ा अंदर जाने पे इसमें कई तरह के देखने को मिलते हैं, बड़ा इमामबाड़ा में ये लाजवाब इमारत था, पर्यटन स्थल भी।